अब तो अरे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, स्वागत करता हूँ आपका नए ब्लॉग में। तो आज मैं 2018-19 के बाद जब से कोरोना लगा है तो मैं पहली बार आया हूँ अपनी कॉलेज। तो कॉलेज का हाल ऐसा है कि हमें बनाना था मेजर प्रोजेक्ट, तो हमारा मेजर प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है, हमें फाइल बस बनानी है। मैं आया हूँ, मेरे साथ कुछ मेरे चुनिंदा मित्र आए हैं, ये रहे ये लोग। उनको लगता है बोलना ही नहीं है, ब्लॉगिंग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम फर्जीवाड़ा। मैं बोला मेरी कॉलेज मतलब कुछ नहीं, कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और अब हम जा रहे हैं, हमारा सबमिट। फीस बढ़ा देंगे क्या, क्या क्या कुछ बोल रहे हो क्या तुम? फीस बढ़ा देंगे। इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है कॉलेज की फ़ीस बढ़ने से, सबको है भाई, किसको नहीं है। तो हम आए बहुत स्ट्रगल करके कॉलेज, अब हम जा भी रहे हैं बहुत स्ट्रगल करके। आपको पता ही चल रहा होगा कितनी तेज़ धूप हमारी आँखों में लग रही होगी। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। कैसा हमारा कॉलेज है आपको? अब तो अरे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो अरे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। ये हमारी कॉलेज की कुछ बसें हैं, ये बसें पहले हमें ले जाती थीं, अब हमें नहीं ले जाती हैं। कहती हैं नहीं बेटा, ना हो पाएगा हमसे। ये मेरा मित्र जा रहा है और ये मैं हूँ, ठीक है। बिल्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी महल में आ गए हैं। तो फिर अब हम, हमारा काम तो हो गया, पहले ही आपको बता दिया। तो अब हम जा रहे हैं, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि जो हमारा गेट का कीपर है ना, वॉचमैन जिसको बोलते हैं, वो जाने नहीं देगा। हम उन्हें कैसे समझाएं कि हमें जल्दी निकलना है। बाकी आप सिनेमैटिक भी एंजॉय कीजिए मेरे कॉलेज का। तुम्हें चाह कर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। ये रहा हमारा गेट का कीपर, बहुत गंदा है, जाने नहीं देगा हमें, इसमें पूरा पता है। हम कॉलेज से निकल चुके हैं फाइनली, और हम कॉलेज से निकलने के बाद अब हम जाएंगे आनंद नगर। खुद लिखना था एरिया वो। हाँ हाँ भाई, लोगों को कुछ प्रॉब्लम में समझ नहीं आ रहा, तब वो सही आएगा, तब और नहीं आएगा वो भी आपको। आनंद नगर पहुँचने में बहुत समय लगेगा, बहुत थक गए हैं, प्यास लगने लगी, क्या बताए, एकदम थकी गए हैं। मैं नहीं लगता कि मैं डेली कॉलेज आ पाऊँगा, मैं ये काट देता हूँ, अटेंडेंस नहीं लेगी, कि मेरा फॉर्म फॉरवर्डिंग होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉर्म फॉरवर्डिंग, अगर आप एमपी में हैं और आप आरजीपी में पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी आरजीपी भी है, ये हर मतलब उनका एक वेपन है कि फॉर्म फॉरवर्डिंग नहीं होगा, समझ रहे हैं। जिनको भी ये समझ आ गया तो नीचे कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। हम आनंद नगर पहुँच चुके हैं PIT से, काफ़ी दूर था भाई, हालत गंभीर हो गई। बीच बीच में हमें मतलब थकान लग गई, रुक रुक के हमने पानी पिया और निकल गए हम अपने आगे गंतव्य की ओर। मैं आप बाज़ार दिखाने की कोशिश करता हूँ, कितना खतरनाक बाज़ार का हाल है। धूप में गाड़ियाँ काफ़ी कम है, अक्सर यहाँ पे जाम का माहौल रहता था, इस टाइम पे काफ़ी कम है। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। हमने लिया यहाँ पे छोटा सा ब्रेक और हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। ये रहा, मतलब गंभीर हो चुकी है, इसमें लगता है काफ़ी बर्फ डला हुआ है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस इतना ही सही बचा है, कम ही होना है। भैया के लिए वेट कर रहे हैं, भैया अभी तक आए नहीं, कह रहे हैं खाना खा के आएंगे। तो हमारा जो बैग है काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, मतलब बन गया नहीं, लगता बन तो गया, कब तक हमारे हाथ पे आ जाता है वो देखना पड़ेगा। पर जा रहा हूँ अपने घर, बैठ चुका हूँ बस के, बस मेरा काम हो गया, तो
कॉलेज भी बढ़िया हो गया, काम भी हो गया, बचत भी हो गया, पैसे भी बन गया, सारा काम हो गया। अब तो भाई बस से उतर गए, अब जा रहे हैं अपने घर की ओर, काफ़ी थक भी गए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो हो भाई, तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए ओए चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना, काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर।